न भजे फुके मित्ते, न भजे पुरुषाधमे, भजेत मिथे कल्याणे, भजेत पुरे सुतमे। बहुत अच्छी गाथा ये पंडित वर्ग से ली गई है। भगवान बुद्ध यहाँ पर कहते हैं, न भजे पाप के मित्र। भजे का मतलब है साथ न कर, साथ देना, साथ रहना। हाँ, पाप के जो बुरे कर्मों में, पाप कर्मों में लिप्त हैं, मित्ते ऐसे मित्र का साथ ना कर। ऐसे मित्र जो पाप कर्मों से लिप्त हैं, जो अकुशल कर्मों से लिप्त हैं, ऐसे मित्रों का साथ ना करें। न भजे पुरुषाधमे, पुरुष अधम यानी जो व्यक्ति अधम है, जो धम्म के मार्ग पर नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का भी साथ ना करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की, अधम पुरुषों की जो संगति ना करनी चाहिए, उनकी संगति में नहीं रहना चाहिए। भजेत मित्ते कल्याणे, ऐसे मित्र जो कल्याणकारी। हम सोच सकते हैं कौन हमारे मित्र हो सकते हैं, कौन अमित्र हो सकते हैं। यहाँ पर हम सोच सकते हैं, भजेत मित्ते कल्याणे, जो कल्याणकारी हैं उनकी संगति करें, अच्छे मित्रों का साथ करें। भजेत पुरुष सुप्त में, और जो उत्तम पुरुष हैं, जो उत्तम पुरुष हैं उनका साथ करें। बहुत अच्छी गाथा है ये भगवान बुद्ध गाथाओं में बहुत अच्छी तरह से समझाते थे लोगों को, और वे गाथाएं आज धम्मपद के अंदर संग्रहित हैं। बहुत अच्छी तरह से उनको अपने इस जीवन में उतारा जा सकता है। तो मैं चल रहा था, आपको बताया था कि इस आश्रमों से जो है अविद्या का आविर्भाव होता है। जो पेड़ का तना है, इसको अगर हम अविद्या मान लें, वो जड़े हैं, वो आसव हैं, और आसव इतने मजबूत होते हैं कि उनको तोड़ना इतना आसान होता नहीं है। उनसे अविद्या रूपी तना बनता है, और फिर उस अविद्या से संस्कार रूपी, संखार रूपी शाखाएं निकलती हैं। जब तक अविद्या रहेगी तब तक ये शाखाएं निकलती रहेंगी, अविद्या का तोड़ नहीं होगा तब तक ये शाखाएं भी निकलती रहेंगी संखार रूपी। और संस्कार से ही विज्ञान पैदा होता है। तो पिछली बार मैंने आपको कुछ विज्ञान के बारे में बताया था, कुछ बातें बताई थी। इसमें बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं, काफी कोशिश की थी मैंने खोलने की, बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं। तो ये जो विज्ञान है, विज्ञान हमारा चालू हो जाता है जब बुद्ध और उनके धम्म से। मैंने बताया था बाबा साहब क्या कहते हैं इसके बारे में, कि जब रज और वीर का संपर्क होता है, वहां से ये विज्ञान चालू हो जाता है निरंतर, और ये विज्ञान अपना रूप लेने लगता है आगे चल के। तो विज्ञान आगे बढ़ता रहता है, विज्ञान से ये विकसित होते रहते हैं हम गर्भ के अंदर, और फिर वो जो है विज्ञान के आविर्भाव से, विज्ञान के कारण ही नाम रूप जो है पैदा होता है, उत्पन्न होता है। यहाँ जो नाम रूप के अंदर है, जो भी इसमें किसी वस्तु की संज्ञा है जिसको हम जान सकते हैं उसे नाम कहते हैं, और जो संज्ञाहीन है, जिसकी कोई संज्ञा नहीं, उसको रूप के नाम से जाना जाता है।
ये जो है हम शास्त्रों में देखते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में जो नाम और रूप है वो मानसिक तत्वों की स्थिति है जो मन के तत्वों से संबंधित है। ये हमारी मानसिक जो तत्व हैं, मन के जो तत्व हैं, उनसे संबंधित है ये नाम और रूप। यह मानक मानव की मनोभौतिक प्रकृति को बतलाता है, जो मानव की मनोभौतिक जो प्रकृति है उसका दर्शन कराता है, उसे दिखाता है, उसे प्रकट करने वाला ये प्रत्यय है। यह शरीर और मन के एक साथ कार्य करने की शक्ति को स्पष्ट करता है। हमारा शरीर है और शरीर के साथ मन है, इस जो ये एक दूसरे पर अवलंबित है, एक दूसरे के ऊपर ये जो है रहते हैं, कार्य करते हैं, इनकी कार्य की जो शक्ति है उसका स्पष्ट करता है, ऐसा प्रत्यय है। आचार्य बुद्ध घोष जो है विशुद्धि मग्ग में बताते हैं, विशुद्धि मग्ग के अंदर कहते हैं कि जो नाम है इसके अंदर तीन समुच्चय होते हैं, तीन समूह होते हैं। इसमें पहला समूह होता है संवेदना, दूसरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और तीसरा होता है इसके अंदर पूर्व वृत्ति, यानी वेदना, संखार और विज्ञान की संज्ञा। इन तीनों की जो संज्ञा है वो हमारी क्या कहलाती है, नाम कहलाती है। तो चार हो गए यहां पर, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो इन तीनों की जो संज्ञा है वो जो है नाम कहलाती है। और आप सभी जानते हो, परसों बताया था कि रूप के अंदर चार तत्व जो आते हैं, स्थूल है वो जिसमें पृथ्वी है, तेज है, वायु है और जल है, इनसे जो उत्पन्न होता है वो रूप कहलाता है। लेकिन ये बताया गया है कि मन द्वारा भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकते, मन के द्वारा कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकते। जिस प्रकार से खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, हाँ, दैनिक जो जीवन के अन्य का क्रिया है उनको भी अकेले रूप से हम जो है कार्य नहीं कर सकते, रूप से भी हम कार्य नहीं कर सकते, अकेला रूप भी इन कार्यों को करने में समर्थ नहीं है और ना ही अकेला नाम समर्थ है। अपने आप से कोई भी ये परिवर्तन नहीं कर सकते, अलग अलग रह के ये परिवर्तन नहीं कर सकते। ये किस प्रकार से कहें कि जिस प्रकार से लंगड़े और अंधे मानव एक दूसरे के पूरक होते हैं, आप पूरक होते हैं। आपने एक कथा सुनी होगी, किसी गांव में अकाल पड़ गया, लोग उस गांव से जाने लगे, सभी लोग चले गए, गांव पूरा खाली हो गया। उसमें एक अंधा व्यक्ति रहता था और एक लंगड़ा व्यक्ति रहता था। लंगड़ा बेचारा जाने चल नहीं सकता था और अंधा भी आगे बढ़ नहीं सकता था, उसे रास्ता ही पता नहीं था। किसी प्रकार से बोल दोनों इकट्ठे हुए, आपस में सलाह मशवरा की, तो लंगड़ा बोला कि भाई मैं देख सकता हूं, तुम्हें रास्ता बता सकता हूं लेकिन चल नहीं सकता हूं। कह ठीक है, तुम मुझे रास्ता बताना, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और तुम मुझे रास्ता बताते चलना, तो मेरे हम दोनों ही निकल जाएंगे यहां से। तो वो एक दूसरे के पूरक हो गए, उसने अंधे ने अपने कंधे पर बैठा लिया उस लंगड़े व्यक्ति को, और वो जो दोनों ही उस गांव से निकल गए। इसी प्रकार से नाम और रूप जो है एक दूसरे पर अवलंबित, एक दूसरे पर आधारित है। ये अकेले अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन दोनों मिलके परिवर्तन कर सकते हैं। दोनों जब मिल जाते हैं तो परिवर्तन संभव है, वहां परिवर्तन करने में ये दोनों समर्थ हो जाते हैं।
परंतु नाम और रूप की उत्पत्ति के लिए किसी प्रकार की वस्तुओं के संग्रह को मानने की आवश्यकता नहीं है। हम ये सोचे कि इनकी कोई उत्पत्ति दूसरी कोई व्यक्ति वो कर रही है वस्तु, ऐसा नहीं है। किस प्रकार से, जैसे कोई बांसुरी बजाने वाला है, बांसुरी बजाता है, उसकी ध्वनि निकलती है, उत्पन्न होती है, लेकिन उस ध्वनि के लिए कोई भंडारण नहीं है, कोई संग्रह नहीं कर रखा कि वहां से ध्वनि आ रही है। जैसे ही वो बांसुरी को बंद करेगा ध्वनि भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो उसका भंडारण है ही नहीं, कहीं संग्रह नहीं है उसका ध्वनि का। ये स्वर कहाँ से आते हैं कुछ पता नहीं है, किधर चले जाते हैं कुछ पता नहीं है। जब सांस बांसुरी बंद हो जाती है तभी उसका जो है ये जो स्थान नहीं होता जहां वो ध्वनि लौट जाती है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है कि जहां पर वो ध्वनि लौट जाती है। इसी प्रकार से सारे तत्व रूप और नाम के रूप में जाने जाते हैं। जो तत्व तो हैं नाम और रूप के तौर पर जाने जाते हैं, वे पहले से मौजूद नहीं होते। हम सोचते हैं ये पहले से मौजूद है, ऐसा नहीं है, वो पहले से मौजूद नहीं होते, वो तुरंत स्थापित होते और तुरंत वहां से खत्म भी हो जाते हैं। वे पहले से नहीं होते, उनकी कोई भी पूर्व स्थिति नहीं होती, फिर भी वो अस्तित्व को ग्रहण करते हैं। वो जो है अस्तित्व को ग्रहण करते हैं और अस्तित्व ग्रहण करने के पश्चात विलुप्त भी हो जाते हैं। अगर हमारा नाम इस अस्तित्व में से निकाल दिया जाए तो रूप भी अपने आप खत्म हो जाएगा, और रूप निकाल दिया जाए तो नाम भी खत्म हो जाएगा। ये इसी तरह से चलते रहते हैं, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, विद्यमान नहीं है, ऐसा कोई स्टोर नहीं है, ऐसा कोई संग्रहण नहीं है कि ये वहां पर इकट्ठे रहते हैं, वहां से आते हैं और फिर वहीं चले जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इनको स्थिर माना गया है, इसीलिए इसको आत्मा रूप दे दिया गया है। भगवान बुद्ध ने आत्मा को पूरी तरह से नकार दिया है। बुद्ध और उनके धम्म में भी आपको बताया था कर्म के सिद्धांत के अंदर कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पक्का ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिधम्म कोश के अनुसार, अभिधम्म कोश में क्या कहा गया है कि प्रतिसंधि चित्त के बाद और चार रूपी इंद्रियों की उत्पत्ति से पूर्व, क्या कह रहा है, इस चित्त की जो प्रतिसंधि होती है, स्थापना होती है उसके बाद, और चार इंद्रियां नाक घ्राण चक्षु स्रोत और नाक जिसको बोलते हैं, घ्राण और जिभ्या, ये चार इंद्रियों की उत्पत्ति से पूर्व और जो है चित्त प्रतिसंधि से बाद में, ये जो अवस्था है इसको हम नाम रूप की अवस्था कहते हैं। ये जो है नाम रूप, यहां पर क्या होता है, मन आयतन बनता है और काय आयतन की उत्पत्ति होती है। ये हमारा गर्भ के अंदर ही होता है, माता की कुक्षी के अंदर होता है, ये सब कुछ वहां पर हो रहा है। अभी हम बाहर नहीं निकले, अभी बाहर नहीं आए हम, लेकिन वहीं पर ये सारा उत्पत्ति हो रही, प्रतिसंधि वहीं पर हो रही है, ये संधि हमारी वहीं पर हो रही है, ये संग्रहण वहीं पर हो रहा है। तो ये भव में प्रतिसंधि क्षण के में होती है, ये जो कुछ बन रहा है दोनों मन आयतन और काय आदि जो बन रहे हैं, जिसके अंदर ये चार इंद्रियां आपकी हमारी ज्ञान इंद्रियां प्रकट हो रही हैं, उनकी उत्पत्ति हो रही है, ये जो है उस भव में ही प्रसंधि काल में ही ये उत्पन्न होती है, वो प्रसंधि क्षण होता उसी में ये उत्पन्न होती है। इसी प्रकार नाम रूप जो है कोख के अंदर या भव के अंदर क्या है कि ये जो है पंच स्कंद है, ये पांच स्कंद जो बताए गए हैं, रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान,
ये पांच स्कंद हैं, ये जो है नाम रूप जो है पुच्छी के अंतर्गत ही होते हैं, कोख के अंतर्गत होते हैं। यह उत्पत्ति भव से लेकर जब तक षड़ इंद्रिय की अव्यक्ति नहीं होती तब तक की अवस्था है। ये नाम रूप की अवस्था क्या है कि भव से ले वहां से लेकर के भव से लेकर के और जब तक हमारे षड इंद्रिय जो परसों बताई थी, षड इंद्रिय हमारी श्रोत है, चक्षु है, घ्राण है और जिह्वा है, काय है और जो मन है, तो ये षड इंद्रियों की जब तक अव्यक्ति नहीं होती है वहां से भव से लेकर इनकी अव्यक्ति नहीं होती तब तक की अवस्था क्या है, नाम रूप है। ये नाम रूप में हम रहते हैं। पंच स्कंदों के जो पंच स्कंद हैं हमारे, इनमें से वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इनको नाम रूप लिया जाता है, नाम के रूप में जाना जाता है, ये नाम के रूप में आते हैं। तथा रूप स्कंद के अंदर आपकी पृथ्वी, जल, वायु और तेज, इसकी उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये पांचों स्कंद हमारे उत्पन्न होते हैं। विभिन्न प्रश्न के अनुसार अगर देखें, नागसेन बनते नागसेन क्या कह रहे हैं कि स्थूल और सूक्ष्म मानसिक धम्म जो है, स्थूल और सूक्ष्म जो मानसिक धम्म है वो क्रमशः रूप और नाम के रूप है। ये जो रूप और नाम दे रखे हैं इसमें रूप क्या है, स्थूल धम्म जितने भी आते हैं और जितने सूक्ष्म धम्म आते हैं वो सब नाम के अंदर आते हैं। इस अवस्था में उत्पन्न होते रहते हैं, ये जो है उत्पन्न होते रहते हैं और ये जो है 12 निदानों के अंदर या प्रतिसमुतात के अंदर नाम रूप के अंग से जाने जाते हैं। ये इसके अंगों को क्या कहते हैं, नाम रूप, जो चौथा भाग है हमारे प्रतिसमुतात का, जो चौथा भाग है उसमें आता है। रूप पदार्थों का और मन बुद्धि का संग्रह है, बुद्धि या मन का संग्रह है और चित्त जो है चेतसिकों से बनता है, विभिन्न प्रकार के चेतसिक होते हैं। एक बार हमारे आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था ये। तो ये जो है चेतसिक तत्वों का नाम है, चेतना या विज्ञान को नाम रूप पर स्थित माना जाता है। चेतना या विज्ञान जो है नाम रूप के ऊपर स्थित है, विज्ञान जो है नाम रूप के ऊपर जो है स्थित है, या क्रम जो है निरंतर जो है आगे बढ़ता रहता है धीरे धीरे करके, धीरे धीरे ये निरंतर रहने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये आपस में संबंधित है। विज्ञान और नाम रूप आपस में ये संबंधित है, ये अलग नहीं किए जा सकते, ऐसा महसूस होता है ये आपस में पूरी तरह से संलग्न है। जब ये पंच स्कंद समूह एकत्रित हो जाते हैं तब चेतना लुप्त हो जाती है। ये सारे जो है समूह एकत्रित हो जाते हैं तो चेतना जिसको विज्ञान कहते हैं वो लुप्त हो जाती है। परंतु चार स्कंदों के समूह नाम के ऊपर स्थित रहती है। तो चार समूह में जो चार समूह बाकी बचे उनके ऊपर ये आधारित रहती है, उस पर स्थित रहती है, इसलिए कहा जाता है कि यह नाम रूप पर आधारित, ये जो है चेतना किसके ऊपर आधारित है, नाम रूप के ऊपर आधारित। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि नाम वेदना संवेदना या अनुभूति, संस्कार जिसे संकल्प ही कहते हैं, जिसे कर्म भी कहते हैं, संज्ञा जिसको इंद्रिय जनित ज्ञान कहते हैं, चेतना यानी विज्ञान, इन चारों सूक्ष्म और अभौतिक तत्वों का सम्मिलित स्वरूप जो है नाम। कौन कौन से हैं ये, वेदना है, वेदना में आप संवेदना भी कहते हो, तो इसे अनुभूति भी कहते हो, इसका कोई रूप नहीं है,
संस्कार का कोई रूप नहीं है, संस्कार को संकल्प के रूप में ही जाना जाता है और जो है कर्म के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन इसका भी कोई रूप नहीं है, अरूप है, ये संज्ञा है, इंद्रिय जनित ज्ञान है, ये इंद्रियों से ज्ञान लिया जाता है, संज्ञा इंद्रियों के द्वारा ली जाती है, गंध आप देखते हो नाक के द्वारा गंध का आस्वाद लिया जाता है, रस का आस्वाद लिया जाता है जिभ्या के द्वारा, रूप का आस्वाद लिया जाता है चक्षु के द्वारा, शब्द का आस्वाद लिया जाता है कान के द्वारा। तो ये जो है जो ज्ञान है इंद्रिय ज्ञान है वो जो है पूरा का पूरा क्या है कि चेतना बोलते हैं इसको या विज्ञान बोलते हैं, ये चारों जो है सूक्ष्म अभौतिक अभौतिक तत्व तो है, ये इनको देखा नहीं जाता, ये जो है भौतिक तत्व तो नहीं है, इनका कोई भी प्रमाण नहीं है, इनको पकड़ा नहीं जा सकता, इनको जो सिर्फ समझा जा सकता है अपनी बुद्धि के लेवल पर, हम इसको समझ सकते हैं, बाकी हम इसको आगे नहीं डिफाइन कर सकते। ये जो है क्या है, गूंगे का एक तरह का गुण है, गुण जैसे गूंगा गुड़ खा लेता है वो उसकी मिठास को नहीं बता सकता, बखान नहीं कर सकता है, इसी प्रकार से ये है हमारे पास में, हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते, ये चारों सूक्ष्म अभौतिक तत्व नाम के अंदर अंतर्गत आते हैं, ये चारों जो अभौतिक हैं, जो तत्व हैं अभौतिक, वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, ये चारों किसके अंदर आते हैं, नाम के अंदर, और बाकी बचे चार पृथ्वी जल वायु और तेज, ये चारों भौतिक तत्व हैं, ये रूप के अंदर आते हैं, रूप के अंतर्गत आते हैं, तथा इनसे उत्पन्न होने वाली जो सूक्ष्म स्थूल पदार्थ और जीवों के शरीर रूप रूप के जितने भी पदार्थ हैं जो हमको दिखाई देते हैं, जिनको हम जो है महसूस करते हैं, जिनको देखते हैं, या स्थूल पदार्थ हो अचेतन हो या चेतन हो, या जितने भी प्राणी हैं इनके शरीर हो, जितने भी आपके जीव जगत के हैं, चेतन और अचेतन आपके स्थूल हैं या पदार्थ हैं, ये सब जो है रूप के अंतर्गत आते हैं, और मन और मन की सारी मानसिक क्रियाएं, मन और मन की सारी मानसिक क्रियाएं, जितनी भी मानसिक क्रियाएं, ये सब नाम के अंतर्गत आते हैं, जिनसे प्राणी का मानसिक जीवन जो संचालित होता है, जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तभी हमारा जीवन संचालित होगा, अन्यथा नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है कैसे कि ये जो है चारों सूक्ष्म तत्व और रूप काय के साथ ही उत्पन्न होते हैं, रूप के साथ ही उत्पन्न होते हैं, नाम के चार जो अद्भौतिक जो तत्व हैं वो रूप के साथ उत्पन्न होते हैं और रूप के साथ ही ये जो है अदृश्य हो जाते हैं, एक दूसरे पर ये जो है डिपेंड है, एक दूसरे पर आश्रित है, ऐसा नहीं है कि अकेले रह सकते हैं, जिस प्रकार से विज्ञान के छात्र जानते होंगे, ये हमारे घरों के अंदर बिजली चल रही है, इसके तार में बिजली बहती है और इस तार के आसपास एक जो है आकर्षण क्षेत्र जो है पैदा होता है, जो अपनी तरफ खींचता है, हाँ अपनी तरफ खींचता है, बहुत वो होते हैं, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति को बिजली पकड़ लेती है तो उसका क्या गति होती है, लेकिन वो ऐसे नहीं पकड़ती है, वो अपनी तरफ खींचती जरूर है लेकिन पहले झटका मारती है उसके बाद वो पकड़ लेती है, तो उसका जो आकर्षण क्षेत्र है वो कैसे पैदा होता है अभी तक कोई पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही वहां पर विद्युत नहीं रहती वो आकर्षण क्षेत्र भी खत्म हो जाता है, यानी विद्युत रहेगी तब तक वहां पर आकर्षण क्षेत्र रहेगा और विद्युत खत्म होगी तो आकर्षण क्षेत्र खत्म हो जाएगा, इसी प्रकार से ये नाम और रूप जो है ये एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं, एक दूसरे के ऊपर ये जो है डिपेंड है, ये जो है एक अगर नष्ट होगा तो दूसरा भी अपने आप खत्म हो जाएगा, दूसरा अगर उत्पन्न हो गया, एक उत्पन्न होगा तो दूसरा भी वहां पर उत्पन्न हो जाएगा, इसका कोई पता नहीं चल रहा किस तरह से ये हो रहा है किस तरह से नहीं हो रहा, जिस प्रकार से दीपक जल रहा है, पिछली बार भी मैंने बताया था आपको, तो दीपक जल रहा है, दीपक के अंदर प्रकाश है और उसकी लौ है, लौ और प्रकाश एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है,
जहां लौ होगी वहां पर प्रकाश होगा, जहां प्रकाश होगा वहां पर लौ होगी, जहां लौ नहीं होगी वहां पर प्रकाश भी नहीं होगा, जहां प्रकाश नहीं होगा वहां पर लौ भी नहीं होगी। इसी प्रकार से जहां नाम होगा वहां पर रूप होगा, जहां रूप होगा वहां पर नाम होगा, जहां रूप नहीं होगा वहां पर नाम भी नहीं होगा, जहां नाम नहीं होगा वहां पर रूप भी नहीं होगा। कहीं भी आप ले लीजिए, किसी भी जगह पर ले आप अप्लाई कर सकते हो। एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसका रूप कैसा है आप देख रहे हो, नाम क्या दे दिया, पत्थर दे दिया। पहाड़ है कैसा उठा हुआ है, रूप दे दिया, लेकिन नाम क्या दे दिया, पहाड़ दे दिया। ये मानव है जिसके दो पैर हैं, दो हाथ हैं, सर है, खड़ा हो जाता है, चलता है, फिरता है, बोलता है, हंसता है, रोता है, सारा काम करता है, ये मानव दे दिया, मानव नाम दे दिया इसका। ये जानवर है, दूसरे प्राणी है। तो ये रूप जो दे रखे हैं, रूप और नाम साथ साथ चल रहे हैं। अगर जिसका नाम नहीं है वो रूप भी नहीं है, और जिसका रूप नहीं है वो नाम भी नहीं है। तो एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड है। नाम रूप के आविर्भाव से अगले चलते हैं। अगला चलता है कि नाम रूप के आविर्भाव से ही हमारे सड़ आयतन का आविर्भाव होता है। ये नाम रूप में ही हमारा सड़ आयतन होता है। सड़ आयतन, सड़ का मतलब होता है छह, और आयतन का मतलब होता है स्थान। छह स्थान होते हैं ये जो है सड़ आयतन होता है। तो ये जो है इसके आविर्भाव से होता है, किसके, नाम रूप के आविर्भाव से, जिसको हम छह आयतन, आयतन यानी खाली जगह स्थान बोलते हैं। आयतन हम घर भी बोल सकते हैं, जहां पर हम कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार से चक्षु आयतन है, श्रोत आयतन है, घ्राण आयतन है, जिह्व्य आयतन है, काय आयतन है, और मन आयतन है। ये छह आयतनों का जो है आविर्भाव किससे हो रहा है, नाम रूप के अंदर हो रहा है, नाम रूप में हो रहा है, नाम रूप से हो रहा है। अगर नाम रूप नहीं होता तो ये छह आयतन भी नहीं आते। ये छह आयतन विकसित हो रहे हैं, वहीं पर हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, ये अभी गर्भ में हो रहे हैं विकसित। तो ये जो है महायान के, महायान परंपरा में ये छह आयतन के लिए जो है एक सिंबल दिया गया, बहुत अच्छा सिंबल है, कि एक मकान बना हुआ है, इसमें छोटी छह पांच खिड़की लगा दी गई हैं और एक बड़ा दरवाजा लगा दिया गया है। बहुत अच्छी तरह से इसका वो सिंबल दे रखा है महायान बौद्ध परंपरा के अंदर। तो उसको हम देख सकते हैं क्या है, कि ये मुंह हमारा क्या है, ये एक खिड़की है, आंख हमारी दूसरी खिड़की है, कान हमारा तीसरी खिड़की है, और जिभ्या हमारी जो, नाक हमारी चौथी खिड़की है, और ये काया हमारी, काय की जो ये त्वचा है, हमारी पांचवी खिड़की है, और मन रूपी जो है इनको सबको चलाने वाला, सबको भोगने वाला मन रूपी दरवाजा है। मन ही सबको चलाता है और मन ही सबको भोगता है। तो ये मन रूपी दरवाजा है जो छठी इंद्रिय है, जो छठा द्वार है या छठा आयतन है, इसको हम कहते हैं। ये जो है छह आयतन है जो नाम रूप के से पैदा होते हैं। राम नाम रूप नहीं होता तो ये छह आयतन पैदा नहीं होते। इस प्रकार से ये जो छह आयतन, और जो है आगे फिर जो है छह आयतनों से ही हमारा अगला स्टेप आता है, अगला चरण आता है, जिसको बोला जाता है स्पर्श। अगर ये छह आयतन नहीं होते तो स्पर्श भी नहीं होता। स्पर्श का मतलब होता है अनुभूति। जो भी हम शब्द सुनते हैं उसकी जो अनुभूति होती है, अच्छा है, बुरा है, कड़वा है, कठोर है, सुनते हैं हम, उसका विश्लेषण करते हैं विज्ञान से। इसी प्रकार से तीखा है, मीठा है, खट्टा है, जो जिभ्या से हम स्पर्श करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, अनुभूति लेते हैं। होता कुछ नहीं है, वो अनुभूति होती है ये। या अचक्षु से हम देखते हैं, सुंदर है, रूप है, बड़ा है, छोटा है, ये सब हम अपने इससे देखते हैं, कठोर है या कैसा है, वैसे देखते हैं अपनी आंख से, या सुगंधित है, दुर्गंधित है, अपनी नाक से देखते हैं, इसकी अनुभूति होती है। गर्म है, ठंडा है, इसकी अनुभूति हमारी त्वचा से होती है। कठोर है, सॉफ्ट है, इसकी त्वचा से हमारी, इससे होती है, त्वचा से अनुभूति होती है। और इनको सबको अनुभव करने वाला हमारा मन है। मन इसका विश्लेषण करता चला जाता है, क्या है कि ये अच्छा है, बुरा है, हमारे लिए ठीक रहेगा, हितकारी रहेगा, अहितकारी रहेगा, इस तरह से ये इसका विश्लेषण करता चला जाता है। तो ये जो है
स्पर्श है, और जब स्पर्श होता है तो इसका जो विश्लेषण किया जाता है, जो अनुभूति इसके साथ विश्लेषण किया जाता है, वो वेदना कहलाती है। अगला स्टेप आ गया, अगला चरण आ गया, वेदना कहलाती है। हाँ, वेदना क्या है? कई इंद्र जनित अनुभूति है, जो हमारी इंद्रियां अनुभूति कर रही हैं, वो जो है जो अनुभूति है उसकी जो संज्ञा है उसको वेदना कहते हैं, उसकी पहचान करते हैं, यह सुखद है या दुखद है, यह ना सुखद ना दुखद है, ये क्षणिक है और ये क्षणिक होती है, वेदना क्षणिक होती है, लंबी नहीं होती, बहुत क्षणिक होती है। हाँ, तो ये जो है बहुत वेदना है, इसका जो है बहुत अच्छी तरह से इसका वर्णन किया गया है। क्या है इसके अंदर कि ये जो है दुखद वेदना हमें जो है श्रद्धा की तरफ ले जाती है, सुखद वेदना हमको भवचक्र की तरफ ले जाती है, हम उसमें फंस जाते हैं, और ना दुखद ना सुखद हमको उपेक्षा की तरफ ले जाती है, जो हमारा चौथा ब्रह्म विहार है उसकी तरफ ले जाती है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं चलती रहती, पूर्वा का चक्राकर मार्ग की दूसरी सीढ़ी जो श्रद्धा है वहां पर हमको दुख ले जाके छोड़ देता है, वहां से फिर हमको बढ़ना पड़ेगा ऊर्ध्वाकार पर चक्राकर मार्ग में। लेकिन ये वेदना इतनी नहीं होती, वेदना का भी आगे विस्तार हो जाता है। कैसे हो जाता है विस्तार? का तीन वेदनाएं हैं और छह इंद्रियों की है, छह इंद्रियों की वेदना है, तो छह ती 18, 18 प्रकार की वेदना हो गई, 18 प्रकार की वेदना हो गई, भूत भविष्य और वर्तमान तीन कालों की वेदना हो गई। तो इस प्रकार से ये जो 51 तरह की हो गई, और कुशल अकुशल करके ये जो है 108 प्रकार की हो जाए, 108 प्रकार की हो जाती है, 18 या 54, 54 प्रकार की हो जाती है, और फिर जो है कुशल अकुशल करके ये 108 प्रकार की हो जाती है। तो आपने अगर कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ लोगों के हाथ में मालाएं देखी होंगी आपने फेरते हुए, ये मालाएं फेरते हैं, तो मालाओं के अंदर जो मन के होते हैं वो 108 होते हैं, वो जो है इस वेदना की अनुभूति कराते हैं कि 108 प्रकार की वेदना है, इस पर काबू करिए, इसको समझिए, इसको संभालिए, इन वेदनाओं को। अगर इन वेदनाओं को नहीं संभाल पाए तो आप कहाँ फंस जाएंगे? तृष्णा के अंदर फंस जाएंगे जाके, और फिर आपका भव चक्र फिर चालू हो जाए, फिर अगले उसके लिए तैयार रहिए, परिणाम के लिए, अगली जो परिणाम आने वाला है उसके लिए तैयार रहिए। इसलिए यहाँ पर जो है वेदना को साधिए, वेदना को समझिए, और वेदना को समझ लिया तो फिर क्या होगा, वेदना से सुखद और दुखद दो तरह की होगी। अगर दुखद है तो फिर हम जो है किधर भागेंगे, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बहुत अच्छी जो है ये एक साखी है कबीर साहिब की, क्या कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे। अरे भाई, जब दुखी होते हैं तभी भागते हैं अपने आराध्य की तरफ, अपने आदर्श की तरफ तब भागते हैं जब हमें दुख होता है, अगर हमें सुख होगा तो हम क्यों जाएंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी है। हमारा समाज आज सुखी हो गया है, चंद सुख को लेकर के बाबा साहब ने सुख क्या दे दिया, हमारा समाज पूरा सुखी हो गया। जो शोषित पीड़ित समाज था कुछ उसे मिल गया तो सुखी हो गया, वो नहीं जानता कि बाबा साहब कौन थे, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, इसलिए बाबा साहब का नाम भी भूल गया। जब दुख में था तब बाबा साहब का सहारा लेके आगे बढ़ा, लेकिन अब जो है बाबा साहब को भूल गया। हाँ, तो दुख में सुमिरन सब करें, कबीर साहब कहते हैं कि दुख जब होता है तभी आदमी जो है सुमिरन करता है, तब आगे बढ़ता है, दुख में से वो प्रगति करता है, विकास करता है। कब होता है? जब दुखी होगा तब आदमी विकास करेगा। हम दुख को नहीं समझ पा रहे हैं, दुख जो है आर्य सत्य उसको नहीं समझ पा रहे कि दुख क्या है। दुख समुदाय में हम चल रहे हैं, ये प्रीति समुत्पाद का जो नियम है दुख समुदाय में आता है, अगर हमने दुख को समझ लिया होता तो हम आगे बढ़ गए होते, दुख से विकास निकलता है। तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें, सुख में तो कौन सुमिरन करेगा, अगर हमने सुख में सुमिरन कर लिया होता, सुख में अगर हमने ध्यान भावना कर ली होती, सुख में हमने अपने को संभाल लिया होता, तो शायद ये दुख हमारे जीवन में नहीं आता, ये जीवन में हमारे में नहीं आता। तो बहुत बहुत आपका साधुवाद।
आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन मुझे सुनने के लिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, धम्म मित्र, पूरन मत। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद साहब।